पुरंजय सिंह ने एक बात पूछी है कि गुरुजी नमन विपश्यना ध्यान के अंत में जब आप अपने शरीर को अनुभव और सामान्य होने का सुझाव देते हैं, कृपया इसका क्या अर्थ? छोटी सी बारीक सी बात है पुरंजय, तुमने पूछी, अच्छी बात है। इसलिए वो सुझाव मैं देता हूँ क्योंकि पहले जो सुझाव मैं दे चुका होता हूँ कि अपनी सांसों पर ही फोकस्ड हो जाए, और सांसें हैं जीवन, सांसें व्यक्तिगत जीवन से हटाकर हमको शाश्वत जीवन से जोड़ती हैं, पर्सनल लाइफ से इम्पर्सनल लाइफ में हमको शिफ्ट कर देती हैं। इसीलिए जब विपश्यना में गहरे चले जाते हो तो थोड़ी देर के लिए शरीर का बोध भान मिट जाता है, पता नहीं रहता कहाँ हैं, शरीर है कि नहीं है, किस उम्र के हैं, क्या है, क्योंकि वो जीवन हो गया, कलरलेस, नेमलेस, फॉर्मलेस। विपश्यना इसीलिए उसका विपश्यना का इतना मूल्य है। तो अगर इतना कोई उस समय उसमें डूब चुका है, निमज्जित हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है शाश्वत जीवन में, उस इटर्नल लाइफ में जो बस बह रही है इम्पर्सनली, अवैयक्तिक रूप से, तो इसलिए ही जब उसको वापस लाना है तो उसको कहा जाएगा कि अपने शरीर को वापस अनुभव करो, यानी कि वो जो जीवन है अब इस शरीर मन में कंटेंट था, इसके माध्यम से हमने उसको अनुभव किया था, फिर से उधर लौट आओ, उस वास्टनेस से फिर शरीर में आओ। प्रैक्टिकल यूटिलिटी है क्योंकि उसमें तो जी नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए और आसपास के वातावरण में उसके प्रति जागरूक हो। जो सामान्य, सामान्य होने का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी में सामान्य हो। प्रश्न ये भी पूछ सकते हो कि क्या वो जो होता है इम्पर्सनल इटर्नल लाइफ से संयुक्त होना, वो सामान्य नहीं है? वो सामान्य शब्द वहाँ पर न लगाकर हम कहें कि वो नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, वो जीवन का एक नैसर्गिक ढंग है कि हाँ ऐसा है। एक विराटता, एक जो फैलाव है वो पूरा है, लेकिन हमको लौट कर जीना इसी शरीर मन के साथ है, तो इसीलिए हम लौटेंगे और लौटने का सुझाव इसीलिए हम देते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्पज से। तो ध्यान की प्रैक्टिकल यूटिलिटी को हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए, और कभी भी ध्यान को समझते हैं तो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन को हमें भूलना नहीं होता।